सो हे व्हाट्सअप गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइज आ चुके एक और गेम प्ले लेकर, यहाँ पर इस वाले गेम प्ले में 23 किल्स के साथ में बुया लेता हूँ। तो गेम प्ले होने वाला है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, तो गेम प्ले को एंड तक ज़रूर से देखना। मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को गाइज सब्सक्राइब कर देना। नीचे वाले वो जो लाल बटन दिख रहा है उसको क्लिक कर और जल्दी से जल्दी ग्रे बना दो। तो शुरू करते हैं आज के वाला गेम प्ले को। तो यहाँ पर हम लोग पिक में उतरते हैं, बट मैं जहाँ पर उतरता हूँ वहाँ पर पूरी की पूरी स्क्वाड उतर जाते हैं, जिसके वजह से मैं उधर नहीं जा पाता। तो मैं पास के वाले बिल्डिंग में आता हूँ और वहाँ पर थोड़ा बहुत लूटना स्टार्ट कर लेता हूँ। तब इसके बाद शुरू करते हैं बंदे मरना। तो यहाँ पर इन बंदों को खत्म करने के बाद इस तरफ पर कोई नहीं था, बट पीछे की साइड से अभी बहुत सारे फायरिंग की आवाज आ रहा था। तो चलते हैं पीछे की साइड में। अब तो पीछे की साइड में आते ही मुझे यहाँ पर चारों बंदे दिख गए थे। मुझे पता था कि वो लोग पूरे के पूरे स्क्वाड है, तो मुझे यहाँ पर संभाल खेलना पड़ेगा क्योंकि 1v4 सिचुएशन होगा यहाँ पर। तो अगर ये क्लच आप लोगों को पसंद है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक मार दो गाइज। क्या कर रहे हो यार, एक लाइक तो मार दो और चैनल को गाइज सब्सक्राइब कर दो। तो यहाँ पर तो पूरा खत्म हो जाता, चलते हैं नेक्स्ट जोन की तरफ। तो यहाँ पर मैं फिर से जब पिक की तरफ आता हूँ तो मुझे जहाँ पर मैं फर्स्ट फाइट लिया था ना, वहीं पर मुझे और दो दो बंदे दिख गए। तो चलो आप उनको कूटना स्टार्ट कर लेते हैं। अब इनका एक बंदा तो मैं नॉक कर देता हूँ और एक बंदा था जो पीछे की साइड में जा रहा था, तो चलते उसको भी कूटते हैं। अब इस बंदे को तो मैं खतरनाक वाला एक हेडशॉट मार देता हूँ। बंदा बहुत ही अच्छा लगा छुपा हुआ था भाई, कोई मतलब मैं इसको ढूंढ ही नहीं पाता अगर नहीं निकलता तो। तो इसके साथ साथ यहाँ पर मुझे लग रहा था खत्म हो चुका है, बट नहीं, अभी भी यहाँ पर बहुत सारे बंदे और एक बंदा तो अभी मेरे पास आएगा। तो देखो अब इस बंदे को मैं हेडशॉट पता खत्म कर देता हूँ, बट अभी पीछे की साइड में और फायरिंग की आवाज़ आने लगी। भाई साहब कितने सारे बंदे हैं यहाँ पर, तो चलो चलते हैं वहाँ पर। अब इस बंदे को मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ और मैं डायरेक्ट इस पर पुश कर देता हूँ, क्योंकि अभी टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं होगा क्योंकि बंदा अभी डैमेज है। तो जल्दी जल्दी करते हैं। अब इस बंदे को भी मैं शॉटगन से हेडशॉट बजा के खत्म कर देता हूँ। अब फाइनली गाइस पीक खाली हो गया था ऐसा मुझे लगता था, बट मैं जब भी पीक से बाहर जाने लगा मुझे एक एक करके और बंदे दिखने स्टार्ट हो गए।
अब दूर से इस बंदे को मैं बहुत ज़्यादा ही डैमेज देता हूँ। ये बंदा ग्लूअर लगा रहता है, इसके लिए बाहर से नॉक नहीं हो पाता। बट मैं जब उसके पास जाता हूँ ना, मेरा पिंग अचानक से हाई हो गया, तो देखो इसके बाद क्या होता है। अब किसी तरह से राइट टाइम में मेरा पिंग ठीक हो गया, जिसके वजह से मैं इसको मार पाया। नहीं तो भाई ये तो मेरे को ही मार के जाता। तो यहाँ पर इसको बंदे को ख़त्म करते, और बंदे दिखने आ स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब और बंदे आने स्टार्ट हो जाते, चलो उनको भी कूटना स्टार्ट कर लेते हैं। अब कहाँ से पता नहीं एक एक करके बंदा आने स्टार्ट हो गए थे, बहुत सारे बंदे थे यहाँ पर, तो मुझे संभल कर खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं दो बंदे को तो फिनिश करता था और एक बंदे को बहुत ज़्यादा डैमेज करता हूँ, तभी राइट साइड से मेरे ऊपर फायर आता है। अब प्रॉब्लम ये था कि मेरे पास एमओ तो बहुत सारा था, बट ग्लूअल ख़त्म हो गए थे, जो कि मुझे बाद में जाके प्रॉब्लम हो सकता है। बट फिर भी मैं क्या बंदे मरने या पर स्टॉप करूँ? नहीं। किलिंग स्प्रे। इसको ख़त्म करने के बाद मैं फाइनली यहाँ पर कह सकता हूँ कि पीक पूरा खाली हो गया है, तो चलते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे बंदे अभी बाकी है और मारने भी है बहुत सारे, तो चलो चलते हैं। आप घूमते घूमते मैं जब स्ट्रीट की तरफ आ ही गया था, तभी मेरे को नीच में बंदे दिख जाते हैं। अब मैं जब सामने वाले बंदे के ऊपर फोकस कर रहा था, तभी मेरे को पीछे की साइड से एक बंदे का फुटस्टेप आ जाता है। तो जब फिनिश कर रहा था, तभी जो बंदा जोन के अंदर था ना, वो अचानक मेरे सामने आ गया। अब इसको खत्म करने के बाद मैं सोचता हूँ कि जल्दी जल्दी जोन में जाने का, क्योंकि इसके बाद बहुत ज्यादा एचपी खाएगा जोन। अब जोन में आता ही मैं तो दूर से एक बंदा देख जाता है, जिसको मैं फायर करके थोड़ा बहुत डैमेज दे देता हूँ, पर अभी जोन में जाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो पहले रूम में चलते हैं। अब इस दोनों बंदे को मैं ख़त्म कर देता हूँ। एक बंदा ऊपर में था, क्योंकि वो बंदा ऑफलाइन हो गया था, तो वहाँ पर वो अटक चुका था, और मैंने जिसके वजह से मैं उसको इजीली मार पाया। और ये जो सामने वाला बंदा था, इसको मैंने उसको शॉर्ट गन दे बजा दिया। अब तो जोन के बाहर दो बंदे थे और मैं ये था, तो चलते अब जोन के अंदर जल्दी जल्दी। अब ग्लूअल होने की वजह से ये बंदा बच जाता है, बट जो पास में जो बंदा था ना, वो इस बंदे को मार देता है। तो मुझे इससे पता चल गया था कि वो बंदा अलग स्क्वाड का है। तो अब मेरे प्रायोरिटी था कि पहला प्रायोरिटी था कि जोन में जाने का, क्योंकि जोन अब बहुत ज़्यादा खाएगा।
अब जोन के आने के बाद ही मुझे उस बंदे का फुल स्टेप आ जाता है। मैं तो सोच रहा था कि अभी उस बंदे को ख़त्म कर देता हूँ, बट मेरे पास ग्लूअल की कमी थी जो कि मुझे बाद में पता चला। अब दो दो बंदे यहाँ पर आ जाता है जिसके वजह से मेरे पास ग्लूअल भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि पहले जोन में जाने का, क्योंकि अगर जोन खा गया तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। अब मैं भी जोन के बाहर था, वो बंदा भी जोन के बाहर था, तो उस बंदे को मैं मतलब जानता था कि उस बंदा कहाँ पर है, तो बंदा तो जोन में आ गई उसके लिए वजह से मैं यहाँ पर वेट करता उसके लिए। अब फुसते पाते ही मैंने उस पर सीधा राश मार दिया था, बट प्रॉब्लम ये था कि मेरे पास ग्लूअल नहीं था, तो मुझे एक शॉट या फिर दो शॉट में उसे ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद अगर फाइट चला तो मैं यहाँ पर मर जाऊँगा। तो फाइनली यहाँ पर मैं इस बंदे को मार देता हूँ और यहाँ पर इस गेम प्ले एंड हो जाता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक मार दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।